हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 CBSE बोर्ड साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने ओपन किया है मैंने, और आपके टेक्स्ट बुक से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही आपको नॉलेज आएगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ रहता है। ठीक है, और नोट्स जो है जो आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, जो पॉइंट वाइज होती है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उससे आपका एग्ज़ाम में अच्छी तरह से स्कोर हो जाएगा, लेकिन नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक देन परसेंटेज। तो मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एम जो है वो आपके स्कोर करवाना नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। मेरा एम है आपको नॉलेज देना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिख रहा है, पहले आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की हैबिट अपना लीजिए आप। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखिए। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नीशियम रिबन है, मेरे माउस का जो कर्सर है उसे देखिए आप, मैग्नीशियम रिबन है जिसे बर्न कर रहे हैं हम, फायर दिया है। ठीक है, बर्नर लगाया हुआ है। ठीक है, और क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है, वन सेकंड, वन सेकंड, नीचे नहीं हो रहा है ये थोड़ा। ठीक है, ओके, स्टॉप हो गया था। तो केमिकल इक्वेशन फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, सभी टॉपिक इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। केमिकल इक्वेशन में देखिए क्या बताया हुआ है यहाँ पर, किसने क्या कहा, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज, एक्टिविटी 1.1 यानी कौन सी एक्टिविटी, जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर, ये जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो आपको मैंने, यही एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया हुआ है उसी के बारे में बता रहे हैं कि है ना, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, इज बर्न इन ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है उसके साथ में, इट इज़ कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, और वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और वो नीचे आकर गिर गया। ठीक है, जिसे हमने कैच कर लिया। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, अगर अब ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, और जिसे हम डिस्क्राइब करना चाहे, लिखना चाहे, तो बहुत ही लॉन्ग स्टेटमेंट उसके तैयार होगी। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, इसके बजाय हम उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसा, तो देखिए, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, या फिर वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसे बहुत सारे स्टेटमेंट में न लिखते हुए हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। उस शॉर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। और वर्ड इक्वेशन कैसा होगा, तो नीचे देखिए, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, तो जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, मैग्नीशियम प्लस एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, और क्या आउटपुट हमें मिला, द आउटपुट इज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट था हमें जो मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमने उस एक्सपेरिमेंट को, उस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट में डिस्क्राइब न करते हुए एक शॉर्ट वे में लिखा, जिसे हमने वर्ड इक्वेशन कहा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं, कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। और यहाँ पे दो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसलिए ये दोनों भी क्या हुए, रिएक्टेंट। अगर तीसरा कोई होता सब्सटेंट, वो भी रिएक्टेंट होता, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों। और जो भी सब्सटेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो, न्यू स्टेट, द न्यू सब्सटेंस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और जो अगर दो या उससे ज़्यादा कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो कुछ तो नया प्रोडक्ट हमें ज़रूर मिलेगा।
यानी कुछ तो नई चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, और उस नई चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो नई चीज़ मिल रही थी वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब देखिए, अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्शंस टू अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। ये जो एरो है बीच में का, ये क्या हमें क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आगे देखिए, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट जो है वो, अब उस वर्ड इक्वेशन से ही समझ में आता है कि रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में है, और एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट हो गए तो हम उससे कैसे ऐड करते हैं, इस प्लस से हम उसे ऐड करते हैं। जैसा मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, और हमने इसे किससे ऐड किया, प्लस साइन से हमने इसे ऐड किया है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड अप विद द प्लस साइन बिटवीन देम। यानी ये जो कहा गया है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है वो हम राइट साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट तैयार हुआ इसलिए हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार होते तो हम प्लस साइन करके उसमें ऐड करते जाते, जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड में किया है, ठीक है। आगे देखो, द एरो पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या बता रहा है आपको कि रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए और कुछ न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। वर्ड इक्वेशन ख्याल में रखिए, हमने अभी वर्ड इक्वेशन के बारे में सीखा है। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में भी सीखना है। ये जो हमने लिखा कि एक एक्टिविटी को शॉर्ट फॉर्म में हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। अब देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन में वही एक्टिविटी जो हमने वर्ड इक्वेशन में लिखी हुई है उसे और शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं क्या? तो ज़रूर कर सकते हैं। किस तरह से थे, हम उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का और कोई शॉर्ट वे है क्या? तो ज़रूर है। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज अ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। इसके पहले जो हमने लिखी वो वर्ड इक्वेशन थी जिसमें हम पूरे वर्ड लिख रहे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, लेकिन उसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर उन वर्ड के बजाय हम उनके केमिकल फार्मूलेज वहाँ पर लिखे। जैसा देखिए, मैग्नीशियम के बजाय हमने उसका फार्मूला लिखा Mg, ऑक्सीजन के बजाय हमने उसका फार्मूला लिखा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तैयार हुआ उसके बजाय हमने उसका फार्मूला लिखा MgA। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, और शॉर्ट हो गई, वर्ड इक्वेशन से भी शॉर्ट ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन आपको बता रहा है? तो केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि वो केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन है। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला पता है तो आप वर्ड इक्वेशन जो हमने इसके पहले देखी उसे और शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। और वो किस तरह से लिख सकते हैं, देखियो, इस तरह से Mg प्लस O2 प्लस Mg, ठीक है। तो हमने उस वर्ड इक्वेशन को और शॉर्ट वे में कर दिया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो नीचे देखिए, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द रो। तो आपको, आप अगर इस मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एटॉम काउंट करते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम, इसमें एक ही एटॉम है, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो एटॉम है ऑक्सीजन के, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर तैयार हुआ है। इसमें मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्साइड का भी, ऑक्सीजन का भी एक है। तो देखो, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड। दोनों भी साइड में ऑक्सीजन एटम जो है एलिमेंट में वो सेम है क्या, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। तो इफ़ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस। अगर ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में एटम का जो नंबर है और राइट हैंड साइड में जो एटॉम का नंबर है इस एलिमेंट के अंदर, वो अगर सेम हुआ तो इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज इक्वेशन अनबैलेंस होता है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहा गया। अभी बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के जो वर्ड आए यहाँ पर, इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सीखना था कि केमिकल
इक्वेशन क्या होता है जिसे हम वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसे हम शॉर्ट करके केमिकल के फॉर्म में भी, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी हमने उसे यहाँ पर समझा है क्या है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि इतना ही था ये टॉपिक में कि आप किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट वे में किस तरह से लिख सकते हैं। तो दो तरह से आप केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन से, या फिर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आप उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस, जो हम अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी वीडियो और शूट कर सकूँ। ठीक है, समझना चाहिए आपको, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू।